हेलो दोस्तों, नरमल लाइटिंग इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विदाउट एसपीडी के क्लासिक डीओबी को का बल्ब कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम समझते हैं इस वीडियो में और इसको बना के देखते हैं और आगे पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे कैसे बनेगा और क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें लगता है। तो सेम भाई, इसके लिए प्रोसेस होता है एल्युमिनियम की हाउसिंग और इसकी डिफ्यूजर और टिक्की। ये 57 mm की इसमें हाउसिंग चाहिए और इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा B22 कैप विद वायर वाला, उसमें जिसमें एसपीडी लगती है डीओबी के साथ, उसमें एसपीडी का खुद का वायर होता है, तो इसके लिए विदाउट वायर वाला कैप इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर आपको विद वायर वाला कैप लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें इसका कोई वायर नहीं होता है, जो B22 कैप का वायर है यही डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, एल और एन के ये पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट पे ये जो B22 कैप का वायर है इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है और उसके बाद बल्ब हमारा बन के तैयार है। ये सिंपल तरीके से कम टाइम में बनता है और इसको भी लगभग 1 ईयर की वारंटी में आप दे सकते हैं कस्टमर को, कोई रिप्लेसमेंट के बहुत कम चांसेस हैं इसके अंदर। अब सामने देखेंगे तो इसको बनाने का प्रोसेस वही सेम है, बस एसपीडी नहीं लगेगी। तो कैसे बनता है हम इसमें करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं। तो वही सेम है, सबसे पहले इस पर एसपीडी पे हमें हीट सिंक कंपाउंड लगाना होता है। और हीट सिंक कंपाउंड दोस्तों क्यों लगाया जाता है कि ये बल्ब को ठंडा रखता है। जो पीसीबी या ड्राइवर जब भी जलता है, बल्ब जलता है तो इसके अंदर पीसीबी और ड्राइवर वर्किंग करते हैं, तो ये हीट होते हैं, अपनी हीट जनरेट करते हैं, तो उसको हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें हीट सिंक कंपाउंड लगाना होता है। और ये प्रॉपर सही मात्रा में लगा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लगना चाहिए ना कम लगना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखते रहते हैं आप लोग, यदि कोई जो लोग पहले से काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसपीडी डीओबी का, इसको 1 ईयर की वारंटी में कवर करने के लिए। और ड्राइवर का जो लोग काम कर रहे हैं वो ड्राइवर भी बेस्ट है। ड्राइवर ऑटो कट की सीरीज में आ चुका है, तो उसमें ऑटो कट की सीरीज में क्या है कि तो उसमें रिप्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से B22 कैप को कैप पंचिंग की मदद से आपको इसको कैप को फिट कर लेना है। और कैप फिट करके इसको, और इस तरीके से वायर हमारा निकलेगा, वायर निकलेगा तो ये जो हमने बनाया है इसको इसमें फिट करना बॉडी के अंदर। तो अब इसको करके देखते हैं कैसे करके होता है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि एलईडी बल्ब से संबंधित हमारे पास वीडियो वगैरह चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी कैसे बिजनेस को करना है और अपने घर से कैसे शुरू करना है और कैसे पैसा कमाना है और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर कॉल करके ये सब जो रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ नरविल लाइटिंग इंडस्ट्री में हर तरीके का रॉ मटेरियल एलईडी बल्ब का मिलता है, प्लस इसको बनाने के लिए जो मशीन वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो मशीन भी अपने पास मिलती है। तो हमने मशीन प्लस रॉ मटेरियल की किट वगैरह बनाई हुई है, तो वो किट लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर। अब इसकी टिक्की हम फिट करेंगे और टिक्की फिट करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे और फिनिश करेंगे इसको और देखेंगे किस तरीके से ये ग्लो करता है। तो यहाँ अभी हम इसकी टिक्की फिट करेंगे। तो टिक्की फिट करने के लिए ये टिक्की फिटिंग मशीन होती है, किट के अंदर मिलती है। इसमें प्रॉपर रखना है इसके डाई के एंगल पे और इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है इस तरीके से, और प्रेस करके और ये टिक्की हमारी इसमें फिट हो जाएगी। अब ये टिक्की फिट हो चुकी है और अब इसके बाद इसमें डिफ्यूजर लगेगा और इसको टेस्टिंग करके दोस्तों देखेंगे। यहाँ देखेंगे जैसे हीट सिंक कंपाउंड वगैरह लगा के ये फिनिशिंग चल रही है, डीओबी वगैरह ये रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है। नीचे देखेंगे यहाँ पे बल्ब बने हुए पड़े हैं, तो ये वर्किंग चलती रहती है दोस्तों। सामने इधर देखेंगे तो ये हमारा बन चुका है मटेरियल, इधर देखेंगे तो ये यहाँ पे वर्किंग चल रही है। अब इसको जो हमने बल्ब बनाया था इसकी टेस्टिंग करेंगे डिफ्यूजर लगा के, ये हमारा जल गया कम्प्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं,
इन नंबरों पर कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा, और इस तरीके का बल्ब बना के आप भी अपने एरिया के मार्केट में सेल कर सकते हैं। अभी इस पर कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये नाम लिखने की, इस पर ब्रांड प्रिंट करने की भी मशीन कंपनी के अंदर लगी हुई है। सामने देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बल्ब पड़े हुए हैं एक दो, जैसे ये किसी कस्टमर का ब्रांड है तो इन्होंने अपने नाम से बनवाया। इस तरीके से आप भी सोच रहे हैं, आप अपने ब्रांड से मार्केट में बल्ब को सेल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नाम भी प्रिंट करके दे दिया जाएगा हमारी तरफ से, और इसका बॉक्स पे ब्रांड भी हो जाता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बल्ब आपने बनाना सीखा और आपने पूरी जानकारी ली इस वीडियो के माध्यम से। इस तरीके की जानकारी लेते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए इन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इनके रेट वगैरह जानने हैं आपको तो रेट वगैरह आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। जैसे ये ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड आपका इस बॉडी पर भी प्रिंट किया जा सकता है, और ये बॉक्स होता है, बॉक्स इस तरीके से प्लान आता है। तो ये 100-200 पीस यदि आप लेना चाहते हैं मिनिमम क्वांटिटी, तो इस पर ऐसे इस नाम से ऐसे नाम लिख करके, ये जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरीके से आपका कोई नाम है तो ऐसे बॉक्स पे आपका नाम लिख करके भी हम यहाँ पे आपको दे देंगे। इस बॉक्स पे भी आपका नाम हो जाएगा और बॉडी पे भी आपका नाम लिख जाएगा इस पे, हाउसिंग पे, और आपका ब्रांडेड मटेरियल का बल्ब बना करके ऐसे रेडी प्रोडक्ट भी हमारे पास मिलेगा, और रॉ मटेरियल भी इसका मिलेगा बॉक्स वगैरह साथ में। तो आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से, और इसी तरीके से एलईडी बल्ब बना के और अपना काम कर सकते हैं दोस्तों।